आप सभी भाइयों को राम राम। सभी को एक खुशी की बात बताना चाहता हूं कि राधे श्याम बंसीलाल का केस सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गया है और सुप्रीम कोर्ट माननीय न्यायालय ने इनको बेल देने से इनकार कर दिया है। और लगभग सभी केस जितने FIR क्लब हुए थे नीचे की अदालत में ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। मैं आप सभी से 181 भाइयों का ऐसे ही मैसेज और संगठित रहकर सुचारू रूप से व्यवस्था चलने की कामना करता हूं। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि नीचे की अदालत में हर जगह हम जाने को तैयार हैं, जहां राधे श्याम अपने बेल के लिए एप्लीकेशन दाखिल करेंगे। मैं राधे श्याम और बंसीलाल के लिए हर एक नीचे की अदालत में, हर एक हाई कोर्ट में अपने 181 लोगों के लिए 7.5 करोड़ रुपए लेने के लिए मैं हर जगह पहुंचूंगा और मैं हर जगह विरोध करूंगा, तब तक कि जब तक मैनेजमेंट का कोई भी आदमी या राधे श्याम या बंसीलाल की तरफ से कोई आमने सामने आकर बात ना करे। मैं तब तक विरोध करता रहूँगा जब तक 7.5 करोड़ रुपए देने का राधे श्याम और बंसीलाल की तरफ से या राधे श्याम की मैनेजमेंट की तरफ से कोई वार्तालाप नहीं होती है, कोई बातचीत नहीं होती है। आप सभी का मैं आभारी हूँ। मैं आप सभी से यह मैसेज के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कोर्ट की प्रोसीडिंग में पैसा लगता है और अब तक हम लोगों ने बहुत मेहनत कर जहाँ तक भी प्रोसेस लाया है, हमारा प्रोसेस बहुत ही ठीक ठाक चल रहा है। अभी हमारे जितने भी इंटरवेन हैं, जितने भी रिट पटिशन हैं, सभी केस पेंडिंग चल रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट उस पर न्याय करेगा और देगा। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मगर राधे श्याम और बंसीलाल के जितने भी केस हैं नीचे की अदालतों में लगभग 50 FIR ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं और वहाँ बेल लेने के लिए या केस समझौता करने के लिए मामला ट्रांसफर्ड है। अब देखना ये है कि जो जो लोगों ने नीचे की अदालत में FIR लगाया उनके लिए तो ठीक बात है, मगर हम तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट गए थे। माननीय न्यायालय ने हमारे को कोई अभी रास्ता तय नहीं किया है कि हमें क्या करना है, मगर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमें भरोसा है कि माननीय न्यायालय हमारे लिए सब अच्छा काम करेगा। लेकिन कहने की बात यह है कि आप 181 भाइयों का मदद और सहयोग की ज़रूरत है और लगभग आप ऐसे ही सहयोग और मदद पर परस्पर तैयार रहिए। लगभग थोड़े ही समय में, कुछ ही समय में राधे श्याम बंसीलाल फ्यूचर मेकर कंपनी और राधे श्याम के मैनेजमेंट के लोग बहुत बेचैन हैं। लगभग राधे श्याम की मैनेजमेंट के लोग बहुत बेचैन हैं राधे श्याम को बाहर और बंसीलाल को बाहर निकालने के लिए और कंपनी चलने चलाने के लिए, जबकि आप सभी को पता है कि ED SEBI ने सारी प्रॉपर्टी जब्त कर रखी है, सारे बैंक के खाते सीज हैं, जितने भी समझौते हुए हैं सब नकली और फ्रॉड है, जितने भी लेन देन हुए आज तक हुए हैं वो सब नकली और फ्रॉड है, सिस्टम ही इनका पूरा फ्रॉड था। लेकिन सभी साक्ष्य को रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट को हमने हर एक चीज़, हर एक कॉपियाँ दी हुई हैं अपने रिट पिटिशन में, अपने इंटरवेन में, और अभी केस हमारे सारे पेंडिंग चल रहे हैं। लगभग 26 जुलाई की डेट है, उस डेट का इंतज़ार कीजिए, कोई ना कोई रास्ता सुप्रीम कोर्ट हमें प्राप्त करेगा। मगर कहना ये चाहता हूँ कि नीचे की अदालत में जहाँ जहाँ 2018, 2019, 2020 में FIR लगे, उन FIRों की सभी लिस्ट लगभग 17 पेज के ऑर्डर में आया हुआ है
उन सभी एफआईआरों को क्लब किया गया है और नीचे की अदालतों में ट्रांसफ़र किया गया है। वहाँ उनके लिए तो ठीक है, जो राधे श्याम उनके साथ समझौता करेंगे या सेटलमेंट करेंगे या बेल लेंगे या जो कुछ भी करेंगे, लेकिन हम तो तब तक विरोध करेंगे और मैं तब तक विरोध करूँगा जब तक कि मेरे 7.5 करोड़ रुपए के लिए आमने सामने किसी से बात ना हो जाए, 7.5 करोड़ रुपया देने के लिए कोई तैयार ना हो जाए। मैं तब तक नीचे की अदालत जाने के लिए हर एक कोर्ट में जाने को तैयार हूँ, मगर इसमें आप सभी 181 भाइयों की ज़रूरत है। हम अपने पैसे प्राप्त करने के लिए सभी से अपील करते हैं कि हम हर जगह जाएंगे जहाँ से हमें पैसे प्राप्त होने का कोई रास्ता मिलेगा, और ख़ासकर राधे श्याम और बंसीलाल के लिए मैं हर नीचे की अदालत में जाने को तैयार हूँ, जिसके लिए अपने 5 भाइयों की सुप्रीम कोर्ट कमेटी गठित 2 दिन पहले ही कर हम अपना कार्य सुचारू रूप से कर रहे हैं। ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। यदि किसी को ज़्यादा टेंशन है तो वो सुखदेव भाई से संपर्क करे और हिमाचल के दिनेश भाई से संपर्क करे। इन 2 भाइयों से संपर्क कर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी मैं अपना कार्य आप सभी के वर्तमान भविष्य के लिए, जो हमने चोटें उठाई हैं, जो हमने चोट खाई हैं, जो हमने कष्ट उठाया है, उसके लिए मैं हर प्रयास, हर संभव मैं कोर्ट में अग्रसित प्रयास कर रहा हूँ, और मैं तब तक करता रहूँगा, मैं तब तक विरोध करूँगा जब तक कि 7.5 करोड़ रुपए के लिए कोई सामने आकर तैयार ना हो जाए। माननीय हर एक न्यायालय में मैं पहुँचूँगा और मैं वहाँ अपना विरोध दायर करूँगा। आप सभी से अपील करता हूँ कि आप अपनी ऐसे ही संगठन को मजबूत तरीके से कायम रखें, और जिनका बकाया रकम है, कोर्ट फीस है, वो भेजने का कष्ट करें। जिनका अधूरा डॉक्यूमेंट है वो अपने साक्ष्य भेजने का कष्ट करें। जिनका वकालतनामा पेंडिंग चल रहा है वो अपना वकालतनामा भेजने का कष्ट करें। धन्यवाद। आप किसी को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी के हर एक डॉक्यूमेंट लीगली तौर पे हमारे पास उपलब्ध है, और जहाँ जहाँ पे इनको कोर्ट ने जो जो ऑर्डर किया है, जहाँ जहाँ पे इनको बेल दिया है, लगभग ईडी, सेबी, रिजर्व बैंक, सॉलिसिटर जनरल और नीचे के सारे हाई कोर्ट और सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हर जगह के कागजात हमारे पास मौजूद है। हम गवर्नमेंट के उन तमाम ऑफिसरों को, तमाम न्यायिक व्यवस्था को हम सारे साक्ष्य पेश करेंगे जहाँ पे इन लोगों ने, राधे श्याम ने, बंसी लाल ने, फ्यूचर मेकर कंपनी ने फ्रॉड किया है। हम सभी के लिए आगे बढ़ने चलने के लिए तैयार हूँ, मगर इसमें कुछ चंद भाई हैं जो हमारे हर एक मैसेज को इधर से उधर कर भंडाफोड़ कर रहे हैं। मैं उनके लिए भी, और जो हमारे साथ कंधा से कंधा लगा के चल रहे हैं उनके लिए भी, मैं तो सभी को एक नज़र एक बराबर में देख रहा हूँ, मगर मैं आप सभी से अपील करता हूँ कि मुझे कंपनी से लगभग 4.5 लाख रुपए लेना है। मैं अपने 4.5 लाख रुपए के लिए आप सभी 181 भाइयों का साथ लेकर मैं उन तमाम कोर्ट, तमाम हाई कोर्ट, तमाम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक मैं अपने साक्ष्य पेश करूँगा जब तक कि मुझे 7.5 करोड़ रुपया ना मिल जाए। मैं आप सभी के बलबूते पर बहुत दूर चलने को तैयार हूँ, और मैं वहाँ तक चलने को तैयार हूँ जब तक मुझे पैसे ना प्राप्त हो जाए एक एक भाइयों का। और एक ना एक दिन मुझे उम्मीद है कि हमारे पैसे प्राप्त होंगे। इस उम्मीद के साथ मैं आशा करता हूँ कि आप सब शांति बनाएं, धैर्य बनाएं, और अभी तक के जो हमारे सारे मेहनत हैं उस पे आप सभी विश्वास रखें। हमने हर एक काम ईमानदारी और सोच विचार कर किया है।
माननीय न्यायालय पे हमें भरोसा है, अपने वकील साहब पर हमें भरोसा है, बाकी हम अपना काम ठीक ठाक कर रहे हैं। और अपनी कोर कमेटी 5 भाइयों की तैयार कर दोबारा से हम अपना काम बहुत ही सूचीबद्ध तरीके से तैयारी कर आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। शांति बनाए, धैर्य रखें। कोर्ट की प्रोसेस में लेट जरूर हो रहा है, मगर न्याय जरूर मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। तो गाइज़ आप लोगों ने सुनी लिया है, राधे श्याम और बंसी लाल की बेल सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई है। जो लोग पैसे के इंतज़ार में बैठे हुए हैं ना बैठें, संगठन का हिस्सा बने, संतोष जी से कांटेक्ट करें, आपको ज़रूर मदद मिलेगी। 181 लोगों का संगठन हो चुका है, लोग मिल करके अपने 7 करोड़ रुपए के लिए लड़ाई कर रहे हैं और जल्दी उनका पैसा उन तक पहुँचेगा, क्योंकि वो एक प्रोसेस के तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। बहुत सारे लोग गुमराह करने वाले लोगों की बातों पर आ करके उनकी जो है कि अपडेट का इंतज़ार कर रहे हैं, जिससे कि वो अपडेट दें फिर आपको अगली डेट मिले। उनको लग रहा है कि वो रेजोल्यूशन की डेट देंगे, लेकिन गाइस रेजोल्यूशन की डेट नहीं मिलनी है, अपडेट की ही डेट मिलनी है। संगठन का हिस्सा बने, संतोष जी से कांटेक्ट करें, डिस्क्रिप्शन पे आपको नंबर दे दूंगा। इसी तरीके की आपको जैनविन अपडेट फ्यूचर मेकर की मिलते रहेगी। लोग अपने 7 करोड़ के लिए फ़ाइट करें, आप अपने 70 करोड़ के लिए फ़ाइट कर सकते हैं इस संगठन से कनेक्ट होकर के। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।